प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपतियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इन सभी नेताओं को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड पर आना था, लेकिन कोरोना की नई लहर की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब पीएम ने इन नेताओं के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया, जो भारत और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के बीच इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। इसकी वजह क्या है और ये क्यों अहम है, इसे आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कुछ तस्वीरों में, एशिया शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं तो इसके मैसेजिंग क्या है वो आपको इस वक्त हम मैप में दिखा रहे हैं। सेंट्रल एशिया का आप ये मैप देख रहे हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हमने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि एशिया के इन 5 देशों के स्टेट हेड्स के साथ जो प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, ये भौगोलिक रूप से क्यों अहम है ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये रशिया और यूरोप का गेटवे है। अगर इन देशों से भारत की कनेक्टिविटी बढ़ती है, भारत की कनेक्टिविटी अगर इन देशों के साथ बढ़ती है, जो 5 देश हमने इस वक्त नक्शे पे यहां पर हाईलाइट किए हैं, तो व्यापार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी, संभावनाएं खुलेंगी। और अभी जो स्थिति है, अब आपको वो भी मैं समझाना चाहूंगी, क्योंकि संभावनाएं जब हम बात कर रहे हैं तो इन संभावनाओं के गर्भ में क्या है आपको ये भी जानना चाहिए। तो आइए जरा आपको ये भी यहां पर आंकड़ों में हम बताते हैं। प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों के साथ बैठक की है, 5 नेशंस, रशिया और यूरोप के ये गेटवेज हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा, आपके मास्टर जी जितनी अच्छी राइटिंग नहीं होगी, लेकिन मुद्दे को समझिएगा। तो सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों के साथ जब बातचीत हो रही है तो व्यापार यहां पर सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि इन 5 देशों के साथ जो भारत का व्यापार है वो कितना है, सिर्फ $2 अरब। इसे मैं सिर्फ क्यों कह रही हूं ये भी आपको बताऊंगी अभी। ये जो इन 5 देशों के साथ व्यापार है भारत का, ये है $2 अरब। और इसके आगे मैंने सिर्फ क्यों लगाया, इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि जो आपको इसके साथ मैं दूसरा नंबर देने वाली हूं वो नंबर सुन के अब आप चौंक जाएंगे। पड़ोसी देश चीन का आंकड़ा, चीन का जो व्यापार है इन 5 देशों के साथ, जो मैंने अभी आपको मैप्स पर दिखाए, इन 5 देशों के साथ चीन का व्यापार है $100 अरब। चीन का व्यापार, अब जरा इस परिस्थिति को देखिए, भारत का नंबर है महज $2 अरब, चीन का नंबर है $100 अरब। $2 अरब, $100 अरब, 50 गुना ज्यादा, $2 अरब और $100 अरब। तो यहां से आप फर्क समझिए कि जब इन 5 देशों के साथ प्रधानमंत्री एक वार्ता कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर, तो डिप्लोमेसी का ये पहलू ये कहता है कि जब इस तरह की स्टेट विजिट्स होती हैं तो उस पर तमाम संभावनाओं पर, दो देशों के बीच कैसे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, नए स्तर पर जाते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। और इस तरह की नई दोस्तियों की जरूरत क्यों है, फ्रेंडशिप्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर $2 अरब और $100 अरब के इस फर्क को पाटना है तो संबंधों को और मजबूत करना होगा, अलग स्तर पर लेकर जाना होगा। और जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन 5 देशों की हैं मैप पर जो हमने आपको दिखाई, वो यूरोप और रशिया के गेटवे हैं, यानी अगर इनके साथ कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होती है तो $2 अरब, मैं ये नहीं कह रही कि सीधे पहुंच जाएगा $100 अरब पर, लेकिन ये फर्क कुछ कम तो होगा, इस दिशा में कुछ कदम तो उठाए जाएंगे। तो इसलिए ये जो मीटिंग थी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस इलाके में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इसका ही भारत को मुकाबला करना है, क्योंकि भारत के साथ शिखर सम्मेलन से ठीक 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की तरफ से प्रयास जारी है, $100 अरब का व्यापार जो चीन कर रहा है वो भी लगातार जुड़ा हुआ है। इस मीटिंग के जरिए चीन ने इन देशों को $50 करोड़ देने का ऑफर दिया था। चीन और सेंट्रल एशिया गैस पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा चीन कजाकिस्तान क्रूड पाइपलाइन की शुरुआत की, चीन किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान हाईवे की शुरुआत हुई, चीन ताजिकिस्तान एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई,
चीन ने पांचों देशों को 5 करोड़ कोविड वैक्सीन देने का ऐलान किया। यानी मतलब यह है कि चीन पूरा जोर लगा रहा है कि सेंट्रल एशिया के इन देशों में उसका प्रभाव कम ना हो और कोई दूसरा देश फायदा ना उठाए या उसको यहां पर चुनौती ना दे पाए। इसलिए कोई चीन जो है यहां पर कोई वैक्यूम ही नहीं छोड़ना चाहता जिसे जिसका फायदा भारत उठा सके। तो इस पूरे इलाके की अहमियत हमें समझनी होगी। पहली बात, इस इलाके में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम का भंडार है। दूसरी बड़ी बात, इनमें से 3 देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं और इस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है। तीसरी बात, ये व्यापार का पुराना और अहम रास्ता है और ये रशिया और यूरोप तक पहुंच बनाता है और यही वजह है कि इस विजिट और इस वर्चुअल बातचीत को बड़े इंपॉर्टेंस के साथ देखा जा रहा है। सेंट्रल एशिया के इन देशों की भारत के लिए अलग अलग अहमियत है। जैसे ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म में भारत के लिए जरूरी है। ताजिकिस्तान में भारत के 2 एयरबेस भी हैं। ताजिकिस्तान में एल्यूमिनियम, यूरेनियम, मरकरी का भंडार है। इसके अलावा कजाकिस्तान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है और ये भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ी मदद कर सकता है। कॉपर, तेल और गैस का बड़ा भंडार कजाकिस्तान में है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान के लिए भारत का गेटवे है। यहां से यूरोप में भारत का ट्रेड रूट बनता है। तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल गैस का भंडार है। उज़्बेकिस्तान की अगर बात करें तो ये भी अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा बॉर्डर को साझा करता है, काउंटर टेररिज्म में अहम भूमिका निभा सकता है। यहां 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में गोल्ड और यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। किर्गिस्तान और भारत लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इन देशों को भारत का जरूरी पार्टनर बताया और अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में कहा क्या। कजाकिस्तान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। मैं कजाकिस्तान में हाल में हुई जानमाल की हानि के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। उज्बेकिस्तान के साथ हमारे बढ़ते सहयोग में हमारी राज्य सरकारें भी एक्टिव भागीदार हैं। इनमें मेरा होम स्टेट गुजरात भी शामिल है। किर्गिस्तान के साथ हमारी शिक्षा और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। हजारों भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। ताजिकिस्तान के साथ हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में पुराना सहयोग है और हम इसे निरंतर और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारतीय विजन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो असगाबाद एग्रीमेंट में हमारी भागीदारी से स्पष्ट है। एक्सलेंसीज, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी में सेंट्रल एशिया के इन देशों की जगह खास है। 2015 में पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए थे और उसके बाद से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति 5 बार भारत आए, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति 6 बार भारत आ चुके हैं, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति 6 बार भारत आ चुके हैं, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति 7 बार भारत आए हैं और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति 3 बार भारत आ चुके हैं। अब देखना यह होगा इन रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के और मजबूत प्रयास कैसे होते हैं।